वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 सॉइल के विषय में अध्ययन करेंगे। सॉइल अर्थात मिट्टी, मृदा। मिट्टी बहुत आवश्यक है और मिट्टी एक प्रकार का नेचुरल हैबिटेट भी है। नेचुरल हैबिटेट कैसे है, क्योंकि ये सभी को रहने का स्थान और लिविंग एक्टिविटी जितनी भी है इसी से पूरी होती है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, द अपर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ विच हैव वेरी फर्टाइल इज कॉल्ड सॉइल। वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो फर्टाइल होता है उसे हम लोग सॉइल कहते हैं। अब है स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में डेड डिकेड प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमस। मरे हुए जीवों का अवशेष, मरे हुए जीव जंतु इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं, ह्यूमस। तो ह्यूमस के अंतर्गत ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इसी से, अर्थात ह्यूमस के कंपोजिशन, ह्यूमस के चलते ही सॉइल का कंपोजिशन बनता है चाहे होता है। साथ में चट्टानों का टूटना, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब हो गया कि ऐसी प्रक्रिया, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत चट्टानों का टूटना, सूर्य की ऊष्मा के कारण, हवा के कारण, जल के कारण, जल माने बारिश के कारण, और मैकेनिकल कोलिजन के कारण टूट जाना, ये प्रक्रिया हमारी वेदरिंग कहलाती है। मिट्टी का निर्माण में सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। कौन? वेदरिंग प्रोसेस। बहुत समय पहले फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बता रहे हैं, बहुत समय पहले, मिलियन वर्ष पहले, ये जो अर्थ है ये बहुत ही, ये आग के गोले से मिलकर के बना है, क्योंकि सन से ही इसका ड्रेविएशन है, अर्थात सन से ही। वोल्केनिक इरप्शन होने के चलते मिट्टी के ऊपर में जो लावा बने, जैसे इग्नियस रॉक, अग्नेय चट्टाने इसी से निर्मित हुई, और उन्हीं के निर्माण के चलते जैसे जैसे समय बीतता गया, सूर्य की गर्मी और सूर्य के ताप से, हवा के झकोड़ों से और बारिश की बूंदों, बारिश से मिट्टी का निर्माण हुआ। साथ में जितने भी मरे हुए जीव जंतु अवशेष, मल मूत्र इत्यादि, इन्हीं सबों के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। दूसरी बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, फाइव टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनके उनका भी बहुत रोल अहम है और उन्हीं के चलते इसका निर्माण हुआ। द नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स विच इट फॉर्म और वेजिटेशन ग्रोन इट। जैसा मिट्टी होगी वैसा ही उसका नेचर होगा, वैसा ही वो बनेगा भी, और बनने के कारण उसमें उसी प्रकार की फसल भी बोई जाएगी। तो स्टूडेंट इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मिट्टी भी जो है कहीं ना कहीं सजीव जीव का भी हिस्सा है। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट सॉइल प्रोफाइल और टाइप्स ऑफ सॉइल के विषय में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।